वृंदावन परिक्रमा मार्ग के रवण रीति क्षेत्र स्थित नारायण आश्रम में वृंदावन के साधु संत एवं महंतों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महंतों ने जर्जर हाल में पड़ी वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को लेकर चिंता जाहिर की है। इस मौके पर बोलते हुए महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजू महाराज जी ने कहा कि शासन प्रशासन से वृंदावन परिक्रमा मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग वृंदावन की धरोहर है, क्योंकि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए आते हैं और यहाँ की परिक्रमा करने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है, लेकिन बाहर से आने वाले श्रद्धालु को परिक्रमा मार्ग में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी प्रशासन से मांग है कि प्रशासन परिक्रमा मार्ग को जल्द से जल्द सही करे। अच्युतः संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद के श्री महंत फुलडोल बिहारी दास महाराज ने कहा कि वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में जगह जगह गड्ढे ईट कंकड़ पड़े हुए हैं, इसी के चलते लोगों को परिक्रमा करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो कुछ लोग परिक्रमा करते करते चोटिल भी हो जाते हैं। शासन प्रशासन को वृंदावन की परिक्रमा मार्ग को भव्य और सुंदर बनाना चाहिए, जिससे कि परिक्रमा करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। महामंडलेश्वर आदित्यनाथ महाराज ने कहा कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग में बड़े वाहन आए दिन फराटे मारते हुए नजर आते हैं। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग को परिक्रमार्थियों के लिए वाहन से मुक्त करना चाहिए, जिससे कि परिक्रमा करने वाले परिक्रमार्थियों को वाहनों के कारण समस्या उत्पन्न ना हो। प्रशासन से हमारी मांग है कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग को बड़े वाहनों से मुक्त किया जावे। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट।